नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत से ऐसे एनालिसिस आए होंगे, ऐसी रिपोर्ट आई होंगी कि इंडिया की जो हालत है कोरोना के मामले में वो दुनिया से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और भारत की हालत पूरी दुनिया में कहीं ज़्यादा बेहतर बताई जा रही है। और कुछ लोग इस रिपोर्ट को नहीं मानते और कहते हैं कि जो 10,000 से ज़्यादा केस हो चले हैं, अब केस 12,000 के लगभग है। तो जिस देश में 12,000 केस हो उसकी हालत और देशों के मुकाबले आप कैसे अच्छी बता सकते हैं? यहाँ से तो हालात बदतर ही होंगे, लेकिन हकीकत में भारत की हालत बाकी देशों के मुकाबले 10-20 गुना नहीं बल्कि कई सौ गुना बेहतर है। और इस वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा कि वो कैसे है। दरअसल मैं आप अमेरिका की जनसंख्या देखिए, जनसंख्या अमेरिका की 40 करोड़ के लगभग है और उस 40 करोड़ जनसंख्या में जो कोरोना के केसेस है 7 लाख के लगभग हो चले हैं और वहाँ पर मौत का आंकड़ा भी 30,000 को छूने जा रहा है। तो अगर आप पर कैपिटा केसेस देखें तो कितना ज़्यादा रेशो मिलेगा वहाँ पर, 33-35 करोड़ ऐसी कुछ अमेरिका की जनसंख्या है और उनमें 7 से 8 लाख के बीच में इस वक्त केस हैं और बहुत जल्द 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा अमेरिका। तो 35 करोड़ जनसंख्या में अगर आप 1 मिलियन केस मान लीजिए तो देखिए कितना बुरा पर कैपिटा रेशो आता है। और अगर भारत का पर कैपिटा रेशो देखेंगे तो देखिएगा कितना अच्छा आता है। चाइना बेशक कह रहा है कि हमारे देश में 90,000 भी केस नहीं हुए, लेकिन हकीकत तो यही है कि चाइना ने असली डाटा दिखाया ही नहीं, क्योंकि जिस देश में से कोरोना शुरू हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पर 90,000 केस ही हुए हों, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है वो बेहद ही भयंकर है। और इटली और अमेरिका, फ्रांस, स्पेन जैसे देश जो केसेस नहीं छुपा रहे, भारत केस नहीं छुपा रहा, यहाँ पे आपको देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कोरोना कितना खतरनाक है। तो ऐसे में जिस देश से शुरू हुआ, जहाँ पर शुरुआत के 1 महीने तक सरकार ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, वहाँ पर सिर्फ 80,000 केस हुए हों ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसमें कि चाइना की आबादी इतनी ज़्यादा है। और अब इटली का भी देखिए, इटली का पर कैपिटा रेशो कितना हाई आएगा, अमेरिका से भी ज़्यादा पर कैपिटा आएगा क्योंकि वहाँ की जनसंख्या और भी ज़्यादा कम है। कुछ ऐसा ही हाल जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम का है, लेकिन अगर आप भारत का देखेंगे, भारत का पर कैपिटा रेशो बेहद कम है और भारत सरकार ने लोगों की ज़िंदगी को इकोनॉमी के ऊपर प्रेफर किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, अमेरिका में अभी भी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस वक्त भी बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो भारत में पिछले 20 दिन से बंद पड़ी हैं और 20 अप्रैल तक तो भारत में संपूर्ण लॉकडाउन है, इसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ों को चलने दिया जाएगा। हालांकि अभी कुछ ज़रूरी चीज़ें चल रही हैं जो बेहद ज़रूरी है, इसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ों को रियायत दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से भारत ने लॉकडाउन लगाया, वो यकीनन भारत ने कोरोना को काफ़ी शुरुआती स्टेज में कवर करने की कोशिश की और कुछ हद तक भारत सक्षम भी हुआ। वो तो तब्दीली जमात वालों ने काफ़ी ज़्यादा काम खराब कर दिया। और अगर हम इन 12,000 केस में देखें तो 4-5,000 तब्दीली जमात का ही देन है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।